ओम शांति। आपको स्वागत है 26 जून के श्री वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने चलन से और अपने चेहरे के द्वारा भाग्य की लकीर जो है हमारी, जो कि हमें परमपिता परमात्मा से मिली, उसको हम रिवील करें या उसको हम प्रत्यक्ष करें, और हम सदा खुशी में रहें, सदा हम एंथुजियाज्म कहें जिसको कहते हैं, कि हम सदा आत्मिक जोश में रहें हमेशा। तो कैसे रहें, उसके लिए हम देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिस इंसान की भाग्य की लकीर बहुत लंबी होती है, जो बहुत अपने को भाग्यवान समझता है और उसका भाग्य जो ऊंचा होता है, उसके चेहरे पर और उसकी चलन से पता चलता है कि ये इंसान बहुत लकी इंसान है। तो हमें क्या मिला है, जो कि हम अपने आप को भी ये समझे कि हम बहुत ही लकी हैं और हमारा भाग्य बहुत ऊँचा है। उसके परमात्मा कहते हैं, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता, अनादि मतलब कि जो कि आत्माओं का पिता, जिसको परम पिता कहते हैं, जो कि अनादि काल से इन्फिनाइट इटर्नल बीइंग हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई स्टार्टिंग मतलब आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो अनादि पिता और आदि पिता, आदि पिता मतलब आदि देव, मतलब आदि देव ब्रह्मा, जिनको एडम भी कहा जाता है इंग्लिश में, द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। तो जैसे हमें पता चला कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा, परमपिता परमात्मा भी एक आत्मा है, मैं भी एक प्रकाश हूँ, परमात्मा भी एक प्रकाश है, जैसे कि आपको पीछे यहाँ दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं भी एक आत्मा प्रकाश, परमात्मा भी एक आत्मा प्रकाश है, जो कि हमें पता नहीं था पहले, हम तो अपने आप को शरीर समझते थे, तो ये पता होने से हमारा एक अलौकिक जन्म, ये फिजिकल जन्म को लौकिक जन्म और आत्मिक जन्म, स्पिरिचुअल जन्म, इनलाइटनमेंट को, अवेकनिंग को अलौकिक जन्म कहते हैं। तो ये अलौकिक जन्म तब हुआ है जब परमात्मा ने हमें रिवील किया कि हम कौन हैं और हमारा उनके साथ संबंध क्या है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, भाग्य विधाता परमात्मा कहते हैं, तभी भगवान भाग्य को बनाने वाला द्वारा होता है, वह कितना भाग्यवान हुआ। आप सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि परमपिता परमात्मा कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, और उन्होंने ये नाटक को कैसे बनाया, और ये कलयुग जो चल रहा है, इसका अंत कब होगा, सत्युग कब आएगा, नर क्या है, स्वर्ग क्या है, ये जब आपको पता चल जाए तो सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो शरीर छोड़ने का, जिसको हम कहते हैं मृत्यु, वो डर भी आपका खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जाओगे कहाँ। फिर परमात्मा कहते हैं, अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो कि हमें परमात्मा, जिसको भगवान कहते हैं, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, उन्होंने हमें ढूंढ करके निकाला है और हमें इस लायक बनाया है कि हम भी किसी ऊंचे काम में परमात्मा का सहयोग दें, नर्क को स्वर्ग बनाने में सहयोग दें। तो अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो, हर चलन और चेहरे इसमें यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि मुझे कौन मिल गया, मुझे सारे राज पता चल गए। तो सारे, जिसको राज पता चलते हैं, वो नाराज नहीं होता है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। फिर परमात्मा कहते हैं, स्वयं को भी अनुभव हो कि हाँ, मैं बहुत ही लकी, बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ, और दूसरों को भी दिखाई दे कि ये कुछ, इनको कुछ मिला है, ये बहुत भाग्यशाली, हमेशा हर्षित रहते हैं, कभी इनको रूठे हुए, उदास होते हुए नहीं दिखा। आपके मस्तक बीच, ये जो निधार कहते हैं या मस्तक कहते हैं या फोरहेड कहते हैं, इसके बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। कहते भी है ना, किस्मत की लकीरें यहाँ पर होती हैं। यहाँ कौन बैठता है, यहाँ पे एक आत्मा बैठती है। आप आत्मा इस फोरहेड से तकरीबन 2 इंच अंदर या 3 इंच अंदर आप बैठे हुए हैं, और आप आत्मा अपनी सोच से अपनी लकीर बनाते हैं। यहाँ पे कोई लकीर बनती नहीं है, लेकिन भाग्य की लकीर, सोच ही लकीर है। तो आपके मस्तक बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, कि औरों को भी लगे कि ये आत्माओं ने कुछ पाया है, इस इंसान ने कुछ पाया है, ये कुछ ज्ञान को पता है, कुछ राज पता चला है। वो क्या है राज, वो आप भी आकर के ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के सीख सकते हैं कि ये असली राज क्या है, क्या पता चला है, क्या ज्ञान मिलता है, भगवान कौन है, हम कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है, ये नाटक कैसे बना हुआ है, इस नाटक में ये क्या हो रहा है दुनिया में आज, ये कब तक चलेगा और उसके बाद में क्या होगा, ये सब चीज़ों के उत्तर आपको ब्रह्म कुमारीज में आके मिलते हैं। आप भी ज्वाइन करें और इस शिक्षा को आप ग्रहण करें। इसी के साथ ओम शांति।